सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है 25 अक्टूबर, तो अभी हम लोग एलिवेटेड पे है जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं KTM शोरूम। आज कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है, आज हम लोग डिलीवरी लेने वाले हैं एक नया बाइक का। ये वीडियो प्रॉपर बोल सकते हैं कि बिहार का और यूट्यूब पे फर्स्ट हो रहा है डिलीवरी ब्लॉग। कोई अभी तक ये बाइक का डिलीवरी नहीं लिया है, तो हम लोग बिहार में और समझते कि इंडिया में ही बोल सकते हैं कि पहला वीडियो है जो हम लोग डिलीवरी ले रहे हो बाइक का। और कौन सा बाइक है आप लोग को पता चल गया होगा कुछ लोग को, और जिसको नहीं पता चला होगा अभी बताएंगे पूरा। तो आज अश्विन का बर्थडे 25 अक्टूबर है, तो स्पैम कर देना कमेंट में हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अश्विन मेरे साथ है, और अभी हम लोग जा रहे हैं उसका बाइक का डिलीवरी लेने KTM शोरूम। और भैया लोग ये सब जा चुके उनके, तो बस हम और अश्विन बचे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं KTM शोरूम। तो चलो बाकी बातें करते हैं GoPro पे। तो गाइस अभी हम लोग देख सकते हैं पहुँच चुके हैं महावीर मंदिर के पास। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता बचता है बस। तो अभी तो हम दोनों ही हैं साथ में, हम अश्विन। अभी 12:06 हो चुका है, कहाँ टाइम था 11 बजे का, तो ये 12:06 हो रहा है। और इसका ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बस इसका दो और भाई है जो कि अभी वहाँ पे शोरूम पे पहुँच चुका है। तो बस हम लोग को जाना है और सारा सेटअप करना है, और उसके बाद डिलीवरी लेके निकलना है। वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटा और, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वर्क ये सब भी करना है, क्योंकि वो भी अभी तक नहीं हुआ है तो वो भी करना है। बस यही सब में जो टाइम लगेगा, बाकी तो डिलीवरी लेने में क्या ही टाइम लगे, केक कट होगा और निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे बगल में महावीर मंदिर है, तो यहाँ पे पूजा वूजा करवाएगा, फिर उसके बाद घर। और ये बाइक तो आप लोगों को पता है कि मतलब कि आप सर्च करना यूट्यूब पे एक बार Duke 250 Gen 3 न्यू कलर डिलीवरी। एक भी बाइक का नहीं आएगा डिलीवरी का मतलब वीडियो, समझो कि ये पहला है। क्योंकि ये चीज़ हम ट्राई किए फिर ही बता रहे हैं, ऐसी नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दिए। ये चीज़ हम पहले सर्च किए सारा कुछ फिर ही बोल रहे हैं, ऐसे बोल देना भी बेकार है, तो इसलिए बोल रहे हैं वरना ना बोलते। तो चलो गाइस, यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता है, तो डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं आपको शोरूम पे ही। हम लोग शोरूम पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, अभी जा रहे हैं अंदर। बाइक पूरा रेडी है, सारा कुछ बस डिलीवरी लेना बचा है। तो देख सकते हो सब लोग पूरा पेपर वर्क के साथ सारा कुछ हो गया है, बस जो बचा है डिलीवरी लेना। तो ये रहा अश्विन, तो अभी डिलीवरी लेगा। और ये तो आप लोग को पता होगा कि बिहार का ये पहला बाइक है, तो अभी हम लोग सारा कुछ केक वेक लगा के बस तुरंत डिलीवरी लेंगे। तो चलो अब डायरेक्ट डिलीवरी लेते हैं भाई। जब फाइनली रिवील होने वाला है कौन सा बाइक है, तो चलो अश्विन 3, 2, 1। तो गाइस फाइनली रिवील हो चुका है, देख सकते हो द ऑल न्यू ब्लैक Duke 250 BS7 मतलब Gen 3। तो ये कुछ और एग्जॉस्ट ये थोड़ा, ये बाइक है जो बिहार का पहला डिलीवरी हो रहा है। क्या भैया हो रहा है ना? जी बिल्कुल, KTM कंकड़बाग। KTM कंकड़बाग से जो बाइक निकल रहा है, ये बिहार का सबसे पहला बाइक है, पहला कलर है, पहला कलर है जो ब्लैक जो है रिवील लॉन्च हुआ था, वो पहला बाइक है जो ये लॉन्च डिलीवर हो रहा है हम लोग को। गाइस बाइक तो रिवील हो चुका है जैसा कि आप सब देख सकते हो, बचा है बस केक कट करने के लिए। तो वही बस केक कट होगा और फिर गाड़ी लेके यहाँ से निकलेंगे, और बाकी आप लोग सिनेमेटिक इन्जॉय कर ही रहे होंगे। तो चलो अब करते हैं केक को कट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अश्विन। तो गाइस फाइनली केक कट हो चुका है, बस जाइए जाइए जाइए। अरे जान भाई, इसको पहले के। तो बस केक यार डिस्ट्रीब्यूट करके निकलेंगे यहाँ से हम लोग। सारा कुछ हो गया, बस मेन जो फॉर्मेलिटी वाला काम होता है, ये एक बड़ा सा चाबी मिलता है जो कि ये चाबी ले जा सकते नहीं हम लोग, पता होगा आप लोग को। तो बस यहाँ से एक फ़ोटो खींचेगा और फोटो क्लिक करके बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी बाइक बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, जितना लोग आए सबका रिएक्शन यही है कि बाइक बहुत ज़्यादा कड़ा लग रहा है, क्योंकि ड्यूक ने पहला बार ये बाइक निकाला है मतलब ये कलर में। ड्यूक आज तक इतना साल से ड्यूक कंपनी है, बट कभी ये कलर नहीं आया कि फुल ब्लैक, देख सकते हो टोटली ब्लैक है, बस एक जगह बस ऑरेंज का टोन है, बस ड्यूक लिखा हुआ है देख सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा कहीं पे ऐसा जगह नहीं है जो आपको ब्लैक के अलावा कोई और कलर मिल जाएगा, तो बहुत सेक्सी लग रहा है यार।
तो बस यहाँ पे देख सकते हो ये हेलमेट मिला है अश्विन को यहाँ पे बाइक लेने की वजह से। और बस यहाँ पे फोटो सेशन ये सब होके बस हम लोग निकले हैं। केक वोक सारा कुछ कट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है, देख सकते हो उधर केक खा रहे भैया। तो ये देखो बाहर में कितना ही सेक्सी लग रहा है लुक निकला बाहर गाड़ी रोड पे। तो गाइस अभी महावीर मंदिर आए थे पूजा करवाने के लिए बाइक, तो ये रहा अश्विन और प्रसाद ये सब सारा कुछ ले चुके हैं। बस अभी अंदर जाके पूजा करके और फिर बाहर जाते हैं गाड़ी पूजा करवाने। यहाँ से रसीद ले चुके हैं बाइक का पूजा करवाने वाला, तो अभी अंदर जा रहे हैं। उतना भीड़ नहीं है देख सकते हो, ऐसे जानते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ होता है, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। गाइस अब यहाँ पे पूजा हो रहा है, पंडित जी आए अभी, तो देख सकते हो यहाँ पे पूजा होगा। पूजा उजा होने के बाद निकले हैं घर, क्योंकि 4 बज गया है अभी यहीं पे। चलो भाई जा रहे हैं, मिलते हैं गोप्रो में, पूजा सब सारा कुछ कंप्लीट करके। ओह गाइस मतलब इसका स्मूथनेस का कोई जवाब ही नहीं है, क्या भाग रही है मैन। तो ठीक है, तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और ये बाइक का तो अभी डिलीवरी ली है, अभी बाकी जो भी होगा सारा वीडियो प्रॉपर लाइन से आएगा, मतलब जिस चीज़ का आप लोग डिमांड करोगे इस बाइक से वो चीज़ का ब्लॉग आएगा। मतलब अभी तो राइड रिव्यू करेंगे संडे को, आज फ्राइडे है, कल वीडियो आ जाएगा सैटरडे को शाम को 5:20 पे, और संडे को फिर संडे राइड पे जाएंगे, और मंडे को आप लोग को ब्लॉग आएगा एक राइड रिव्यू को अच्छा से, पूरा गाड़ी को अच्छा से दिखाएंगे। यहाँ पे तो शोरूम पे उतना अच्छा स्पेस नहीं होता है, तो अच्छे से नहीं बता पाते ना दिखा पाते। तो चलो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।